So, before starting our next chapter, that is internal reconstruction, underwriting of shares and debentures का एक फंडा बता रहा हूं मैं कि अगर समझो आपको आप underwriting of shares and debentures का practical solve कर रहे हो, सब आपने किया, gross liability, less marked application, फिर balance, उसके बाद unmarked application, उसके बाद firm underwriting, सब adjustment करने के बाद आपको बैलेंस आया, फाइनली समझो कि अंडरराइटर एन का आपको आया 3060, अंडरराइटर एम का आया नेगेटिव, मतलब क्रेडिट आ गया इसका 275, और अंडरराइटर ए का भी क्रेडिट आ गया, ठीक है। अब बेटा आपको पहले भी बताया मैंने, अगर किसी भी अंडरराइटर को क्रेडिट आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा अदर अंडरराइटर्स में, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, इसमें टू अंडरराइटर्स को क्रेडिट आ गया, बराबर है, टू अंडरराइटर्स एम और ए का क्रेडिट है, तो भाई इसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा, एन को, एन को एडजस्ट कर देने का, तो डायरेक्टली इधर क्या करने का, देखो लेस, व्हाट, लेस कर दो क्या, क्रेडिट, लेस क्या कर दो आप, क्रेडिट आप एडजस्ट कर रहे हो, सो क्रेडिट ऑफ मितू टू नीतू, पहले किसका, क्रेडिट ऑफ मितू टू नीतू कितना है 275, बेचारा इसको ही बेनिफिट हो गया ना, पहले ये फर्स्ट वाले अंडरराइटर को ही सब बेनिफिट मिल जाएगा, फिर से नेक्स्ट लेस क्रेडिट ऑफ ए, तो ये एम फॉर मितू है, एन फॉर नीतू है और ए फॉर आनंद है, तो इधर ये इधर शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा मैंने, एन फॉर नीतू, एम फॉर मितू और ए फॉर आनंद, सो इधर क्रेडिट ऑफ आनंद, आनंद का क्रेडिट भी एडजस्ट हो जाएगा किसको, टू नीतू, क्रेडिट ऑफ आनंद टू नीतू कितना 285, ठीक है। और भाई ये लोग का तो निकल जाएगा इधर से, इसका 275, इसका 285, That's it. Okay? बस ऐसे ही करना है, और ऐसा करने के बाद फाइनली अपना बैलेंस निकाल लेना आप, ठीक है, तो फाइनली आप बैलेंस निकाल लो, तो बैलेंस क्या आएगा फाइनली, आ जाओ देखते, सो बैलेंस सी क्या बेटा, बैलेंस, सो बैलेंस 3060 माइनस 275 माइनस 285 कितना आया, 2500, वेरी गुड, 2500 ना, ओके, इधर का निल हो गया, ये भी निल, ठीक है, इधर सब जगह निल हो गया, और फाइनली आया वही सेम 2500, दैट्स इट, बस ऐसा ही करना है, फिनिश, मालूम पड़ा, सेम लाइक दैट। और एक अंडरराइटर का क्रेडिट आता है तो कैसे एडजस्ट करते हैं वो तो देखा ही आपने, सिर्फ दो अंडरराइटर है, अगर टू अंडरराइटर्स का क्रेडिट आ गया तो क्या करना है मालूम पड़ गया।